all remembered that in our previous videos I have already discussed about the marathon, the word marathon. What do you mean by the marathon? It is a difficult race having the long distance, the distance covered by the runners nearly about 42.195 kilometers. Perhaps it's a very long and difficult race. So where it is origin, and the origin place of this marathon race is the Athens. और इस मैराथन रेस का ओरिजिन स्थान जो है वो एथेंस ही बना. क्यों बना? इन सबके पीछे की ये स्टोरी है. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जैसे ही पर्सियन आर्मी एक विशाल आर्मी के साथ पर्सिया जो है एथेंस के ऊपर आक्रमण कर देता है, एंड एज द एथेनियंस हैव अ वेरी स्मॉल आर्मी, बट ड्यू टू द अ क्लेवर प्लान ऑफ देयर जनरल मिलिट्री जनरल, उनकी छोटी सैनिकों की टुकड़ी होने के बावजूद उनके जो मिलिट्री जनरल थे मिलिटियट्स के एक अच्छे प्लानिंग की वजह से द एथेनियंस वर एबल टू डिफीटेड द पर्सियन आर्मी, एंड द पर्सियन आर्मी हैव अ बिग पावरफुल आर्मी in the 50,000 bigger than that of the Athenians. और militates के एक अच्छे planning की वजह से Persian जो कि Persia के पास 50,000 बड़ी army थी Athenians से, बावजूद इसके Athenians जो थे वो winner बने. How? तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो एथेनियंस मिलिट्री जनरल मिलिटेट्स ने एक प्लानिंग किया, एंड ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू थ्री ग्रुप्स, द लेफ्ट विंग, द सेंटर विंग एंड द राइट विंग. तो मिलिटेट्स नामक जो जनरल मिलिट्री के जनरल थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने अपनी छोटी टुकड़ी को, फौज की छोटी टुकड़ी को तीन तरीकों से डिवाइड किया. एक सेंटर विंग किया, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग. और इन तीनों टुकड़ियों के साथ बहुत ही अच्छे प्लान से वो इस एबल हो जाते हैं कि वो पर्सियन आर्मी को, जो बहुत विशाल आर्मी थी, बड़ी आर्मी थी, उनको डिफीटेड करने में दे फाइनली गेट द सॉरी गॉट द सक्सेस, उनको सफलता हासिल होती है. बट before we go further to explain this war, the plan of this war, I would like to explain something about the, as the Persian army sailed across the Aegean Sea to conquer the Athenians, the Athenians decided to take help from the Spartans, because the Spartans and the Athenians both have the common enemy. The common enemy is the Persia. उन दोनों का एक ही आर्मी था, एक ही सॉरी एनिमी था, एक ही दुश्मन था. दोनों का ही दुश्मन पर्सिया से दुश्मनी थी. तो इन दोनों एथेनियंस ने सोचा कि स्पार्टन्स से, स्पार्टा के लोगों से मदद मांग करके, और हम दोनों का एक ही दुश्मन है तो हम लोग उस दुश्मन पे काबू पा सकते हैं. इस तरीके से एक मैसेज सेंड करना था, जो कि मैसेज सेंड करने के लिए उन लोगों ने बेस्ट रनर को चुना, एंड द नेम ऑफ दैट बेस्ट रनर इज फिडिपाइडेस. So hope you understand this all, and rest in our next video. Thanks.